अगर आपका बजट 30,000 रुपए तक है तो इसमें यू कैन गो फॉर द iQOO Neo 7 Pro। कार डिस्काउंट के बाद अराउंड 30,000 तक आपको फोन मिल जाएगा। एंड द गुड पार्ट इज कि यहाँ पे आपको 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर मिल रहा है, लास्ट ईयर का ये फ्लैगशिप चिपसेट है। परफॉर्मेंस अच्छी है फोन की, गेमिंग के लिए इस रेंज में ये बढ़िया फोन है। 6.68 इंच का एमोलेड पैनल यहाँ पे, पीक ब्राइटनेस ऑफ अराउंड 1300 nits, 5000 mAh की बैटरी एंड 120W फास्ट चार्ज सपोर्ट है। 50 MP का ट्रिपल कैमरा है। OIS आपको वैसे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक ठाक फोटोज क्लिक करता है। ऑफ कोर्स नॉट अमंग द बेस्ट, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। परफॉर्मेंस सेंट्रिक आपको फोन चाहिए तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। नेक्स्ट कुड बी वीवो V27। दिखने में फोन बड़ा मस्त लगता है वैसे। वीवो का ट्रेडिशनल कलर चेंजिंग ग्लास पैनल डिजाइन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। स्लिम और लाइट वेट है, 180 ग्राम इसका वेट है। हैंडी फोन है, 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। OIS यहाँ पर भी है। कैमरा में काफी सारे ब्यूटिफिकेशन मोड जो वीवो देता है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। इस रेंज में आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। सेल्फी कैमरा 50 MP का है, वो भी बढ़िया है। डिमेंसिटी 7200 चिपसेट यहाँ पे आपको मिलता है जो डिसेंट वर्क करता है डे टू डे यूजेज में, वैसे नॉट फॉर हैवी गेमिंग। 6.78 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे है। 120Hz रिफ्रेश रेट है। बैटरी यहाँ पर थोड़ा सा कम है, 4600 mAh की। 66W फास्ट चार्ज सपोर्ट यहाँ पे। यू कैन गो फॉर दिस इफ यू वांट अ गुड कैमरा फोन अंडर 30,000 रुपीज। एंड इफ यू वांट अ वन प्लस फोन तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। वन प्लस नॉट C3 यहाँ पे, इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है विद 120Hz रिफ्रेश रेट, 50 MP ट्रिपल कैमरा है। ऑफ कोर्स OIS यहाँ पे मिल रहा है। इमेज क्वालिटी इज डिसेंट, नॉट द बेस्ट। 16 MP सेल्फी कैमरा है, अच्छे फोटोज क्लिक करता है। 5000 mAh की बैटरी है। 80W फास्ट चार्ज सपोर्ट है। एंड इस फोन का बैटरी बैकअप आउट से डिसेंट है। स्नैपड्रैगन 782G की परफॉर्मेंस भी अच्छी लगी मुझे। डे टू डे टास्क में फोन लैग नहीं करता, इट वर्क्स सीमलेसली। रियलमी 11 प्रो प्लस कुड ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन अगर आपका बजट 30,000 रुपए तक है। 200 MP का प्राइमरी कैमरा है जो फ्लॉन्ट करने के लिए बढ़िया है, मतलब मस्त है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है। 2 MP का मैक्रो सेंसर है। सेल्फी के लिए 32 MP का कैमरा है, वैसे फोटोज भी अच्छे क्लिक कर लेता है। 6.678 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले है विद 120Hz रिफ्रेश रेट। पीक ब्राइटनेस है 900 nits की, मतलब जो थोड़ा सा मुझे कम लगी, बट आप इतना नोटिस नहीं करोगे डेली यूजेज में। डिमेंसिटी 7050 प्रोसेसर है जो ठीक ठाक काम करता है। 5000 mAh की बैटरी है विद 100W फास्ट चार्ज सपोर्ट। यहाँ पर मोटरोला एज 40 भी है, काफी तारीफ हुई है वैसे इस फोन की बिकॉज ऑफ इट्स ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 6.5 इंच का प्योरलेड डिस्प्ले यहाँ पे है इस फोन में। 144Hz रिफ्रेश रेट है। 50 MP प्राइमरी कैमरा है विद 30 MP अल्ट्रा वाइड लेंस। ऑल्सो 32 MP का सेल्फी कैमरा भी है विच क्लिक्स गुड फोटोज। मीडियाटेक 8020 चिपसेट है विच इज डिसेंट फॉर डेली यूजेज। नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिल रहा है विच इज इंपॉर्टेंट। IP68 वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग है एंड फोन दिखने में बढ़िया लगता है। बैटरी वैसे कम है, जस्ट 4400 mAh, 68W फास्ट चार्ज सपोर्ट है।